सराय में कपड़ा व्यवसायी की हत्या के बाद नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया है। घटना के विरोध में बीती रात मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने बछवारा थाना इलाके के फतेहा कलाली चौक के NH 28 को जमकर जाम कर दिया और साथ ही हंगामा भी किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जाम लगाकर आगजनी भी की। करीब 6 घंटे तक आक्रोशित लोग प्रदर्शन करते रहे। मौके पर पहुंचे सदर DSP अमित कुमार ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन लोगों को दिया है, जिसके बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए। आपको बता दें 31 अक्टूबर की दोपहर अपराधियों ने सुनील कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि लंबे समय से अपराधी सुनील यादव से रंगदारी की मांग भी कर रहे थे। मुन्ना यादव ने रंगदारी देने से इनकार कर दिया और जिससे आक्रोशित अपराधियों ने दिन दहाड़े दुकान में घुसकर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने दावा किया है कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है। जल्द ही घटना में संलिप्त सभी लोगों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा और घटना में इस्तेमाल एक बाइक को भी बरामद किया। सूचना मिली कि बछवारा थाना अंतर्गत होते हैं चौक पर सुनील यादव नाम के एक व्यवसायी कपड़े व्यवसायी की कुछ अपराधी तत्वों ने आके हत्या कर दी। सूचना का संज्ञान होते ही पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पे मैं घटनास्थल पर आया। घटनास्थल पर जहां पर गोली चली है जो व्यवसायी का कपड़े का दुकान है वहां पर गया। पूर्व में कुछ घटनाएं उसके साथ हुई है वो भी संज्ञान में आया, ग्रामीणों के द्वारा बताया गया। सारी चीज़ों को मैंने नोट डाउन किया है और जो यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों का मांग है, यहाँ के व्यवसायी का मांग है एक पिकेट का चाहे अभी फोर्स देने का, सारी बातों के बारे में मैंने SP साहब को तुरंत सूचना दे दी है। ब्रज हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मौरवी दौरा है और चलिए रुख करते हैं सौ शहर।